इस वक्त हम मौजूद हैं यमुना अथॉरिटी में, जहाँ की भारत किसान यूनियन लोक शक्ति की विचारधारा नामक एक जो पत्रिका है उसका विमोचन किया गया है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो है उन्होंने विमोचन किया है, और इस वक्त इसी मुद्दे पे बात करने के लिए, इसी किताब के बारे में बात करने के लिए, जो भारत में जो किसानों के हालात हैं उस पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वराज सिंह जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत टेन न्यूज़ पे। धन्यवाद आपके लिए। सबसे पहले तो ये थोड़ा सा आप हमें इस किताब के बारे में बताएं जो आज ये आपने किताब का विमोचन किया है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जानकारी। मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, मुखिया होने के नाते मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ। हमारे पिताजी के नाम मात्र 2 हेक्टेयर जमीन थी, और मैंने देखा कि किसान गत में कितनी मेहनत होती है, कितनी मजदूरी होती है। मैंने भी उनके साथ काम किया, पहले तो बहुत ज़्यादा, आज तो थोड़ी खेती विकसित हो गई है, उससे हो गया मशीनरी से। पहले किसान बहुत मेहनत करता था और बचता कुछ नहीं था, बचता आज भी कुछ नहीं है। किसान की मैंने अंदर की स्थिति देखी है गरीब किसान का बेटा होने के नाते। तो बचपन से जब मैं पढ़ता था तो मेरे अंदर ये विचारधारा थी कि इस बिरादरी के लिए, किसान बिरादरी के लिए मुझे अपने जीवन में कुछ करना है। धीरे धीरे मैंने आवाज़ उठानी शुरू की, जहाँ भी कई किसान आंदोलन होता था वहाँ जाना शुरू किया और किसानों की हालत समझी। आज हमने भारतीय किसान लोक शक्ति नामक एक किसानों का संगठन एक खड़ा किया है, जो कि 10 हिंदी भाषी क्षेत्रों में आज वो चल रहा है। उनके इस किताब में जो हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश के पदाधिकारी हैं, छत्तीसगढ़ में कौन है, झारखंड में कौन है, बिहार में कौन है, राजस्थान, मध्य प्रदेश में, हर जगह का, पंजाब का, सबके नंबर भी इस पत्रिका में हैं, राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों के। तो मेरी, जैसे ही हमने संगठन खड़ा किया, धीरे धीरे मेरे मन में एक ख्याल आया कि किसानों के ऊपर भी एक लेख लिखना चाहिए, एक पत्रिका होनी चाहिए। तो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की जो विचारधारा थी, जिस उद्देश्य से भारतीय किसान लोक शक्ति का गठन किया गया, उसके आधार पर यह भारतीय किसान लोक शक्ति की विचारधारा नामक पत्रिका का हमने छपवाई। 10,000 पत्रिका ये छपवाएगी, पहले उसमें पहली पत्रिका है हमारे संगठन के नाम से, और अच्छी पत्रिका है, कलर्ड है सारी, कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, सारे पेपर अच्छे पेपर की क्वालिटी से पत्रिका छपवाई है। और इस पत्रिका में स्वामी माननीय स्वामीनाथन जी ने किसान के लिए क्या होना चाहिए, अपने आयोग में, अपनी रिपोर्ट में क्या कहा, क्योंकि हर आदमी कहता है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, लेकिन ये जानकारी नहीं थी कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्या है। तो इसमें पूरा जो है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, हमने सबसे पहले स्वामीनाथन आयोग की ही रिपोर्ट का इसमें दिया गया, ये माननीय स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है इसमें पूरी 2-3 पेज की, इसको पब्लिक पढ़ेगी और स्वामीनाथन आयोग के विषय में जानकारी होगी। देश के प्रधानमंत्री से, देश के मुखिया से भी इसमें सवाल किए गए हैं कि किसानों के ये काम कभी देश में होंगे या नहीं होंगे, और किसानों की जो विशेष मांग है, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू, किसान आयोग का गठन लागू, तो टोटल किसान कर्ज मुक्त होना, बिजली का, सारे किसानों की जो भी अधिकार हैं वो सब इसमें मांग की गई है। और मेरे साथियों ने, जो मेरे प्रदेश और राष्ट्र स्तर के जितने भी पदाधिकारी हैं, सबने अपनी अपनी विचारधाराओं से इसमें लेख लिखे हैं, और सारा लेख देश की आम जनता, गरीब जनता, किसान और देश के लोकतंत्र की हालत, किस तरीका से राजनेता देश को ठगते हैं, किस तरीका से गरीब किसान मजदूर के ऊपर राजनीति करके उनके कंधे पे पैर रख करके आगे निकल जाते हैं और गरीब किसान मजदूर वहीं क्यों ही रह जाता है, ये सारा इस पत्रिका में दर्शाने का प्रयास किया गया है। अगर हम बात करें तो आपने जिस तरीके से बताया कि आप किसान नेता हैं, तो किसानों की जो आज जो देश में स्थिति है, तो सरकार जो है कई बार नई नीतियां बनाती है, कई फंड रिलीज करती है, लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं मध्य प्रदेश हो चाहे महाराष्ट्र हो, जिस तरीके से किसानों को आंदोलन करना पड़ा, तो क्या वजह आप मानते हैं मुख्य तौर पर जो आज हालत है उसकी क्या वजह मानते हैं? उसकी मुख्य वजह यह है कि सरकार जितनी भी योजना लाती है वो रजिस्टरों में लाती है। सिस्टम में देश के में इतनी बड़ी गड़बड़ आ गई है कि सिस्टम संपूर्ण रूप से लागू नहीं है। दूसरा, आज देश की जनसंख्या 1,30,00,000 से भी ऊपर हो गई है। कितनी है जनसंख्या आपको? 130 करोड़ के करीब हो गई है। तो जब इतनी बड़ी जनसंख्या, मैं अभी छत्तीसगढ़ से अपना संगठन के भारत किसान लोक शक्ति के प्रोग्राम से गया था, हमारी सरकार कह रही है कि भाई जो शौचालय योजना, मैंने वहाँ पूरे गांव में देखा, मैं एक सक्षम परिवार में रुका हुआ था, उसमें भी शौचालय नहीं था, अपना निजी शौचालय भी नहीं था और कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं। जब एनसीआर से आगे बढ़ते हैं, जब जाकर के सरकार की योजनाओं का पता लगता है, जैसे मैं झारखंड में गया हूँ, छत्तीसगढ़ में गया हूँ, बिहार में गया हूँ,
और कई राजस्थान में इधर देहात में, जब आम देहात में जाता हूँ तो वहाँ शौचालयों की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार योजना बनाती है कि भाई हम घर घर शौचालय बनाएंगे, मात्र में हमारी जो मात्र शक्ति है खुले में शौचालय ना करत, लेकिन सच्चाई ये रजिस्टर पे बनाती है। मैं कहता हूँ सरकार को कुछ देने की जरूरत नहीं, सरकार को हमें भिखारी बनाने की जरूरत नहीं, हमको याचक बनाने की जरूरत नहीं, हमको स्टैंड करने की जरूरत है, हमको खड़ा करने की जरूरत है, हमारी आमदनी बढ़ाने की जरूरत है। हमारी आमदनी घटती जा रही है, खर्चा परिवार के बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या होगा, हम याचक बनेंगे, भिखारी बनेंगे? अरे हम अपना शौचालय खुद बना लेंगे, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी बना दो ताकि हम अपने शौचालय बनाने तक कमा सकें। सिर्फ तीन चीज देने की जरूरत है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार आप दोगे तो रोटी, कपड़ा और मकान अपने आप हो जाएगा। जो कहते हैं ना मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान, कुछ लोग, मैं कहता हूं मूलभूत आवश्यकता है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की, रोटी, कपड़ा और मकान अपने आप आ जाएगा, उसको देने की जरूरत नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार दे। आपने बात की कि इन सारी चीज़ों की बात की कि याचक बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पिछले कुछ समय में हमने देखा कि सरकार ने एक नई तरीके की रणनीति अपनाई कि किसानों का जो है कर्जा माफी को लेकर ना, कि कर्जा माफी करो और वोट लो, तो इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं कि किसान भी उनके चक्कर में पड़ जाता। बता रहा हूं, जैसे हमारी सरकार ने अभी किसान सम्मान निधि निकाली माननीय मोदी जी ने, मैं स्वागत करता हूं उसका, ये नहीं है कि कोई पहल हुई है किसान की तरफ, उसके खाते में चंद पैसा जाना शुरू हुआ है, लेकिन पहल हुई है। अगर आंदोलन करेंगे और बढ़वाएंगे इसको, एक आयुष्मान बीमा योजना लगाई कि भाई 5 लाख का हम इलाज करेंगे, फिर बात घूम करके वहीं आ जाती है रजिस्टर्ड योजना। अभी 1000 गरीब आदमियों से एक गरीब आदमी का आयुष्मान का कार्ड बना है। जितना बजट ये पास करते हैं, मैं कहता हूं सारे बजट को अगर सरकारी अस्पतालों में लगा दिया जाता, एक लोकसभा के बीच में, जितना लोकसभा का बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, मैं विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं कर रहा, तीन तीन चार चार विधानसभा जाती है एक लोकसभा में, एक लोकसभा के क्षेत्र में जो हमारा संसदीय क्षेत्र होता है उसमें राम मनोहर लोहिया, सफदरजंग, अरवन, जिसको आज जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल कहते हैं, इसकी तर्ज पर एक अस्पताल हर लोकसभा क्षेत्र में होना चाहिए। लेकिन सच्चाई क्या है कि जो हमारे जिला अस्पताल हैं उनमें एक्स्ट्रा मशीन, एक्स्ट्रा ऑपरेटर, नाम किसी में तो एक्स्ट्रा ऑपरेटर है ही नहीं, और हैं तो नाम मात्र के लिए, एक्स्ट्रा मशीनें रखी हुई हैं, मशीन बहुत बड़ी बड़ी हैं उसमें, लेकिन सबको जरंग खागे को छिलाने वाला नहीं, डॉक्टरों की उपलब्धि नहीं। देश में सबसे पहले एक कानून बनना चाहिए, और मैं कहता हूं इसको अगारे बढ़ाएं और माननीय मुख्यमंत्री तक आवाज मेरी पहुंचाएं कि जो भी डॉक्टर, डॉक्टर की डिग्री लेकर के आए उसको कम से कम 15 साल देश की सेवा करनी चाहिए। जब डॉक्टर की, उसका रजिस्ट्रेशन जब पक्का होना चाहिए जब सरकारी सेवा दे। आज डॉक्टर की डिग्री ले आते हैं और अपना प्राइवेट क्लिनिक लेकर के बैठ जाते हैं, और जब प्राइवेट क्लिनिक लेकर के पहुंच जाएंगे उन पर कोई पाबंदी नहीं होगी, तो प्राइवेट में तो बहुत बड़ी लूटमार है, गरीब आदमी इलाज नहीं कर पाएगा। और सरकारी सुविधा स्वास्थ्य की बिल्कुल चरमरा गई है, वही हालत हर चीज में है। स्वामी ने आयुष्मान योजना का बहुत बड़ा शोर मच रहा है, किसान बीमा योजना का बहुत बड़ा शोर मच रहा है, किसान की फसलों को कि भाई हम संपूर्ण रूप से डेढ़ गुना मूल्य दे रहे हैं, कहीं कोई नहीं, क्योंकि सरकारी तुलाई कहीं नहीं, सरकारी भंडारण कहीं नहीं, ये सब रजिस्टर पर चल रहा है। जब तक जो योजना सरकार से लागू होती है वो पटल पर नहीं उतरेगी, जो निर्धारित मूल्य सरकार घोषित करती है उससे कम रेट पर अगर कोई हमारा किसान की फसल खरीदता है उसका लाइसेंस नष्ट नहीं होगा। जब तक कानून सख्त नहीं बनेगा किसान को लाभ देने का, तब तक रजिस्टरों पर घोषणा होती रहेंगी, घोषणाओं से वोट लेते रहेंगे, आम आदमी को कोई फायदा नहीं होगा। अंत में सर, मैं आपसे संक्षिप्त में जानना चाहूँगा कि क्या रणनीति रहेगी भारतीय किसान यूनियन की, किस तरीके से वो जो ये जो आपका जो आंदोलन एक तरीके से चल रहा है उसको कैसे आप लोग लेके आगे जाएंगे? आंदोलन को तो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन योजनाओं के नाम बताता हूँ मैं आपको। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक सौभाग्य विद्युत विभाग में योजना निकाली, सौभाग्य निधि योजना, उसमें फ्री में कनेक्शन देते हैं। पहले हमारे गाँव में राजीव गांधी विद्युतीकरण के नाम से कनेक्शन दिए गए, और वो जो सबसे बीपीएल कार्ड वाले होते हैं उनको कनेक्शन दिए गए। उन्होंने सोचा कि भाई बीपीएल का कनेक्शन मुझे मिल रहा है। आज वो बेचारे जो कनेक्शन बिल देने की स्थिति में नहीं थे, 1-1 लाख रुपया उन पर बिल हो गया विद्युत का, और उनके घर की कुड़की की स्थिति हो रही है।
इसी तरीका से इन्होंने फिर लालच दिया है कि सौभाग्य योजना है तुम्हारी, विद्युत योजना, कनेक्शन लो हम फ्री कर। अरे भाई फ्री कनेक्शन तो तुम दे रहे हो, लेकिन 1000 रुपये का बिल वो कहाँ से देगा जब उसकी मात्र इनकम 1000 रुपये है मासिक। उस 1000 रुपये को बिजली विभाग में दे दे तो फिर घर में क्या चूहे गैस करेंगे, उस घर का क्या होगा, आत्महत्या होगी। यही कारण है देश का किसान आत्महत्या कर रहा, आत्महत्या बंद नहीं हो रही। सबसे पहले देश के अन्नदाता की आत्महत्या कैसे बंद हो, देश का अन्नदाता कर्ज मुक्त कैसे हो, सबसे पहले तो इस पर। और जब तक ये पार्लियामेंट में जो बहस होती है, जो सत्र चलते हैं, उसमें किसान के जनप्रतिनिधियों को, किसान नेताओं को आमंत्रित नहीं करेंगे, क्योंकि किसान के बारे में तो किसान नेता को पता है ना, जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जो खेती करता है। मैं गरीब किसान का बेटा हूं, मुझे पता है किसान कैसे खेती करता है, ईख की पैदा कैसे होती है, आलू की पैदा कैसे होती है, धान की पैदा कैसे होती है, कितना उसमें खर्च होता है, अलग अलग क्षेत्र में धान का अलग अलग समय होता है बोने का, क्या उनके कैसे जो आढ़ती है कितना। मैं अभी छत्तीसगढ़ गया था तो उसमें से एक क्विंटल में से 15 किलो काट लेते हैं, वो 15 किलो की पैसा ही नहीं देते उनको, फ्री में जाता है। यह हालत किसान की है तो इस देश के किसान की हालत नहीं सुधरेगी, और एक दिन इस देश में बहुत बड़ी क्रांति आएगी धीरे धीरे। हम जागरूकता अभियान पत्रिका के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, क्योंकि मीडिया भी चौथा स्तंभ है, और पैदल चल चल के घूम घूम करके देश को जागरूक कर रहे हैं, और एक नया संगठन इस तरीका का खड़ा कर रहे हैं कि जो ईमानदारी से गरीब किसान पर कहीं भी राजनीति ना करे, उनके लिए काम करे, भूखा रह के काम करे। और जिसने भी भारतीय किसान लोक शक्ति में हरामपंथी की या किसान के साथ दलाली की, उसको इस संगठन से काम पकड़ करके बाहर कर दिया जाएगा। यह संगठन ईमानदारी पर चलेगा, गरीबों के लिए काम करेगा, और गरीबों के लिए खड़ा किया गया है। और सरकार नहीं मानी, चाहे भले ही मास्टर स्वराज को, इसके राष्ट्राध्यक्ष को फांसी हो जाए, लेकिन दो दो हाथ एक दिन, जिस दिन संगठन खड़ा होगा, सरकार से दो दो हाथ होंगे, और ऐसा आंदोलन होगा कि इतिहास रचा जाएगा, उसमें खून की होली खेली जाएगी जब सरकार की आंख खुलेंगी। जय हिंद, जय भारत। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आपका संगठन काम कर रहा है, किसानों की हक की बात कर रहा है, जरूर आपकी आवाज़ सुनी जाएगी। और 10 न्यूज़ से बात करने के लिए